इसमें क्या है कि मैं अपने सौतेले बेटे को मार कर और उसका पूरा इल्ज़ाम संतोषी पर लगाना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे आपने सीरियल में देखा ही होगा कि मधु जो है वो हमेशा संतोषी के पीछे पड़ी रहती है कि किसी भी तरह से मैं इसको गलत साबित कर दूँ और घर से निकाल दूँ और पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाऊँ। तो अब जैसे कि धैर्य उसे पसंद करने लग गया है और वो घर में रहने लग गई है, तो मुझे लगता है एक सर्वेंट इतनी बड़ी पोजीशन पे कैसे पहुंच सकती है, और मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मैं जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, मैं सर्वेंट प्ले कर रही हूँ, वो धैर्य हमें सर्वेंट बना देता है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, अभी इसको जेल पहुँचाती हूँ और मैं जो मेरा बेटा होता है उसके सेब में जहर का इंजेक्शन लगा देती हूँ। और वो संतोषी को बोलती हूँ कि प्लीज़ तुम जाकर उसे खिला दो, वो बीमार है। और जब वो उससे भी नहीं मरता तो मैं उसको जहर दे देती हूँ। और उसका सारा इल्ज़ाम जो है कि इसी ने खिलाया था एप्पल, और पूरा इल्ज़ाम संतोषी पे लग जाता है। जैसा आप देख ही रहे, पुलिस आ जाती है उसको पकड़ने के लिए, और आगे क्या होगा वो हम नहीं बताएंगे। हाँ, क्योंकि वो सब सब अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अंकुर और मैं नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, अंकुर और मैं नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे तो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। जैसे मेरी सास ससुर हैं, धैर्य है, धैर्य भी अभी नेगेटिव होता जा रहा है, और संतोषी है, इसलिए वो नहीं माने। लेकिन लेकिन सारे सबूत जो हैं वो संतोषी के खिलाफ है।